प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन तंत्र के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करेंगे। पूर्व का जो वीडियो लेक्चर हमने बनाया था उसमें आपको अध्ययन तंत्र से क्या आशय है, अर्थात वो अवधारणा क्या है और उसके प्रमुख प्रकार क्या हैं, उन पर हमने प्रकाश डाला था। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन तंत्र अर्थात तानाशाही की मूल लक्षण क्या हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला मूल लक्षण है कि यह अवधारणा लोकतंत्र विरोधी है, अर्थात प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं या प्रजातंत्र के जो सिद्धांत हैं उनका ये अवधारणा विरोध करती है, या इस अवधारणा के जो लक्षण हैं उससे ये प्रतिबिंबित होता है कि लोकतंत्र के जितने मूल्य हैं वो अध्ययन तंत्र से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि अध्ययन तंत्र अर्थात तानाशाही या डिक्टेटरशिप ये लोकतंत्र का घोर शत्रु है। यह लोकतंत्र को एक मूर्खतापूर्ण और अव्यवहारिक व्यवस्था बताकर उसकी खिल्ली उड़ाता है, और कुछ अधिनायकवादी तो ये तक कहते हैं कि लोकतंत्र एक सड़ने वाली लाश के समान है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो संसद उसका जो प्रमुख अंग है वो बातूनी लोगों की दुकान के अलावा और कुछ नहीं है। ये मान के चलते हैं कि लोकतंत्र में जिसमें कि कानून का निर्माण संसद के द्वारा होता है, विधानमंडल के द्वारा होता है, इस विधानमंडल में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो गपशप करने के अलावा, बातचीत करने के अलावा, किसी विषयों को लंबा खींचकर लंबे समय तक उस पर डिस्कशन करने के अलावा राष्ट्र की मूल समस्याओं के निदान के संबंध में इनका कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए अधिनायकवादी लोकतंत्र को की मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए कुछ आलोचक कुछ विचारक ये कहते हैं इनके लक्षणों के क्रम में कि यह एक प्रकार की लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है, लोकतंत्र के जो मूल हैं उनका ये विरोध करती है। दूसरा लक्षण है कि यह उदारतावाद का विरोधी है। कोकर एक प्रमुख विचारक रहे हैं, वो कहते हैं कि अधिनायक तंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी उदारतावादी अभिव्यक्तियों का विरोधी है। आप जानते हो कि लोकतंत्र की ही अवधारणा का एक कंसेप्ट है, वह है उदारतावाद, लिबरलिज्म, और इसके मूल लक्षण हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इन तीनों जो अभिव्यक्तियाँ हैं इनका ये अधिनायक तंत्र विरोध करता है। अधिनायकवाद का नारा भी है आदेश, अनुशासन और सत्ता। यदि आप अधिनायकवाद पर प्रकाश डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो अधिनायक है वो आदेश देता है। आदेश देने के पीछे उसका मूल भाव क्या है? अनुशासन बनाए रखना, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, राष्ट्र की शक्ति को बरकरार रखना, राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार करना और अपनी सत्ता को कायम रखना। तो अधिनायकवाद का इसलिए नारा बनाया गया है कि आदेश, अनुशासन और सत्ता, जबकि उदारतावाद का जो मूल जो कंसेप्ट है जिस पर उदारतावादी विचारधारा बल देती है वो है स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिनायक तंत्र के अंदर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पर बल ना देकर आदेश, अनुशासन और सत्ता, ये प्रमुख तौर पर इन पर बल दिया गया है। एक और लक्षण देखा गया है वो है हिंसा और शक्ति में विश्वास। अधिनायक तंत्र शक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। आपने देखा होगा कि मॉर्गेंथो, जिसने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पावर अमंग नेशंस की बात करता है, वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति को प्राप्त करना और शक्ति को बनाए रखना इस पर केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं अधिनायक तंत्र का भी एक कंसेप्ट यही है कि किस प्रकार एक अधिनायक अपने राज्य की शक्ति को बनाए रखेगा, उसका विस्तार करेगा और उसके लिए क्षेत्रीय विस्तार भी करेगा। तो इसलिए अधिनायक तंत्र इस सब कामों के लिए हिंसा और शक्ति में विश्वास करता है। कार्ली एक विचारक रहे हैं, वो कहते हैं कि अधिनायकवाद का उदय ही युद्धों से होता है और युद्ध से ही उसका विकास होना आवश्यक होता है। एक और लक्षण है वो है तानाशाही को सबसे अधिक महत्व देता है अधिनायक तंत्र। आप जानते हो कि तानाशाही व्यवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो राज्य होता है, और दुनिया के महत्वपूर्ण तानाशाह रहे हैं जिनमें प्रमुख नाम अपन ले सकते हैं, मुसोलिनी का, हिटलर का, जनरल फ्रांको। तो मुसोलिनी, कहा भी है मुसोलिनी ने कि राज्य केवल एक राजनीतिक संस्था मात्र ही नहीं है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मात्र नहीं है, राज्य एक आध्यात्मिक व एक नैतिक तथ्य है, वह जनता की आत्मा का रक्षक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं मुसोलिनी राष्ट्रीय भावना को जागृत करता है,
उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है, जिससे कि राष्ट्र अधिक से अधिक शक्तिशाली हो सके और अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार कर सके और अपनी शक्ति को बदस्तूर कायम बनाए रखे। मुसोलिनी वहाँ ये भी कहता है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत और राज्य के लिए है। अब देखा होगा इसमें समर्पण व्यक्ति का राज्य के लिए है, राज्य का समर्पण व्यक्ति के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्यक्ति साध्य नहीं है, अधिनायक तंत्र में राज्य साध्य है, सत्ता साध्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु राज्य के अंतर्गत और राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। मुसलों ने कहा है कि एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, प्रत्येक चीज प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत है, ना तो राज्य के बाहर कुछ है ना राज्य के विरुद्ध कुछ है। इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई विचार ही नहीं आ सकता है। राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों पर निरंकुश प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। राज्य को व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। जब अधिनायक तंत्र की चर्चा चल रही थी तो परिभाषा के दौरान मैंने आपको बताया था कि अधिनायक तंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या एक वर्ग व्यक्ति के संपूर्ण क्षेत्र पर, जनता के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखता है। और संपूर्ण क्षेत्र चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे नैतिक क्षेत्र हो, चाहे वैचारिक क्षेत्र हो, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को राज्य नियंत्रित करता है। और राज्य को नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति या एक वर्ग हो सकता है, और वही अधिनायक तंत्र है। वहीं एक लक्षण और देखा गया है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोधी, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो उदारवाद का लक्षण है, जो व्यक्तिवाद का लक्षण है, जो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का भी लक्षण है, वो अधिनायक तंत्र में नहीं पाया जाता। इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लक्षण है अधिनायक तंत्र। इसलिए जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, उसका घोर विरोधी है। अधिनायकवादी राज्य व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। तानाशाही में स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के आदेश और अनुशासन का पालन करना। हमने देखा होगा कि अधिनायक तंत्र में ये माना गया है कि राज्य के आज्ञा का पालन करना, अर्थात अधिनायक की आज्ञा का पालन करना, वही स्वतंत्रता है, वही आपका अधिकार है। यू हैव ओनली ड्यूटीज एंड नो राइट्स अगेंस्ट द स्टेट एंड फ्रॉम द स्टेट। क्योंकि राज्य आपके प्रत्येक जीवन को नियंत्रित कर रहा है, आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को वो देख रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। इसलिए जो कुछ है वो राज्य है, संपूर्ण शक्ति राज्य के पास है। और राज्य क्या है? राज्य की सत्ता जो है वो एक व्यक्ति एक अधिनायक के पास होती है। इसलिए अधिनायक ने जो कुछ कह दिया उसका एक एक वक्तव्य ही कानून है, वही कानून है, और उस कानून की पालना करना ही स्वतंत्रता है, ऐसा माना गया है। एक और लक्षण है अधिनायक तंत्र का, वो है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब है कि अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, यह राष्ट्र की महानता को कल्पित धारणा मानता है। और मुसलमानों ने कहा भी इस संदर्भ में कि राष्ट्र स्वयं एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है। ये महत्वपूर्ण बात है, मुसलमानी कहते हैं कि राज्य स्वयं एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है। राज्य से पृथक किसी व्यक्ति की कोई पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती। फासिस्ट जो हैं उनके अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक अवयव है जिसमें व्यक्तियों का वही स्थान है जो शरीर में अंगों का है। इसलिए कभी कभी लगता है कि राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी देते हैं, सावयवी सिद्धांत, राज्य का सावयवी सिद्धांत। राज्य अपने आप में एक अवयव है, एक सावयवी अंग है, अर्थात राज्य जो कुछ कह रहा है वही कानून है। और राज्य क्या कहता है? जो उसका नियंत्रक है, जो अधिनायक है। यही इसकी एक और लक्षण है, वह है सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद। अधिनायक तंत्र सर्वाधिकारवादी तंत्र है एक प्रकार का। यह राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या समाज, क्या धर्म, क्या परिवार, सभी पर राज्य का नियंत्रण रहता है। प्रत्येक सामाजिक संगठन सत्तारूढ़ दल की नीतियों के प्रचार का एक सक्रिय माध्यम बन जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि टोटलिटेरियन सिस्टम में, जिसको सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं या तंत्र कहते हैं, इसमें आमतौर पर एक दल का शासन होता है, एक संगठन का शासन होता है। उदाहरण के तौर पर हम
साम्यवादी शासन व्यवस्था वो देख लें। तो जितने भी साम्यवादी राज्य रहे हैं उन साम्यवादी राज्यों में संपूर्ण सत्ता साम्यवादी दल के पास होती है। साम्यवादी दल में एक पॉलिट ब्यूरो होता है, वो एक टीम होती है पूरी नेतृत्व की, उसका एक प्रमुख होता है। उस प्रमुख की नीतियाँ जिसको हम अधिनायक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसकी नीतियाँ संपूर्ण देश पर संपूर्ण राज्य पर लागू होती हैं और उस देश के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि उस अधिनायक के द्वारा जारी किए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करें, वर्ड टू वर्ड। किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य के अधिनायक के आदेशों के विरुद्ध विचार करने की कोई परमिशन नहीं होती है। और ये अधिनायक या जो शासक है, जो टोटलिटेरियन सिस्टम का जो शासक है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का जो शासक है, वो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। हम कह सकते हैं फ्रॉम होम टू फ्यूनरल ग्रेवयार्ड, मतलब व्यक्ति के गर्भ से लेकर और शमशान तक की जो यात्रा है एक जीवन की, जन्म भ्रूण से लेकर के और शमशान तक की जो यात्रा है, इस पूरी यात्रा में जितने भी पक्ष व्यक्ति के होते हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, किसी भी प्रकार का पहलू पक्ष हो, उस पक्ष को राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित कर दिया जाता है। इसलिए वो क्या, राज्य तो ये मान के चलता है कि वो व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए कार्य कर रहा है, कि व्यक्ति वो सारी चीज़ें नहीं सोच सकता, उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए राज्य करता है, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना हो, क्योंकि विशेषाधिकार युक्त वर्ग होने से शोषण की उत्पत्ति होती है। इसलिए शोषण को समाप्त करने के लिए और एक कंप्लीट समानता लाने के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, इस प्रकार की का नियंत्रण राज्य के द्वारा आवश्यक है और उस नियंत्रण में उसका पालन करना में ही स्वतंत्रता निहित होती है। ये बात अक्सर देखी गई है। एक और विशेषता है, वो है एक दलीय शासन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनायक तंत्र एक दलीय व्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें एक दल की तानाशाही रहती है। इसके अंतर्गत अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध सहन नहीं करता। भारतीय विद्वान डॉक्टर वेणी प्रसाद ने अधिनायक तंत्र के चार लक्षण बताए। पहला लक्षण है, यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सैनिकवाद की उपज है। दूसरा हमने देखा है कि इसमें नेता अपने को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानता है और प्रायः इसकी एक विशिष्ट सामाजिक विचारधारा होती है। यह आंतरिक दशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करता है और आंतरिक विद्रोह को दृढ़ता के साथ दबा देता है। एक विदेशी विद्वान न्यूमैन, उन्होंने अधिनायकवादी राज्य के, उन्होंने भी पांच लक्षण बताए हैं। वो कहते हैं कि अधिनायकवादी राज्य जो है एक प्रकार का पुलिस राज्य है। इससे शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है और यह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। एक और विचारक है पीटर मर्कल, उनकी फेमस बुक है, इसका नाम है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें अधिनायकवाद के उन्होंने अधिनायकवाद के प्रमुख लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया है। असाधारण सत्तायुक्त अर्धदेवतुल्य एक नेता, सरकारी प्रशासन व समाज के समस्त संगठनों के नियंत्रक के रूप में विशिष्ट ढंग से संगठित व भावनात्मक समर्पणता वाला एक जनपूंजी दल, शिक्षा व्यवस्था तथा जनसंपर्क के सभी माध्यमों का प्रचार का एकाधिकार, आतंकवाद तथा भयभीत करने की सुपरिष्कृत व्यवस्था। तो इस प्रकार आपने देखा कि अधिनायकवाद के जो लक्षणों की चर्चा मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से की, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, लोकतंत्र की जो मान्यता हैं, उनका घोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र की मान्यताओं में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, अधिकार, ये बातें की जाती हैं। लेकिन अधिनायक तंत्र में ये बातें, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि अधिनायक तंत्र ये मान के चलता है कि यदि व्यक्ति समाज के अंदर समानता लानी है, शोषण मुक्त, समता युक्त
न्याय युक्त समाज की यदि स्थापना करनी है तो यह आवश्यक है कि हमें एक केंद्रीकृत व्यवस्था को लागू करना होगा और उसमें अधिनायक के द्वारा अर्थात शासक के द्वारा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करना होगा, जैसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई असमानता, कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना रहे और उस केंद्रीकृत नीति के आधार पर राष्ट्र सुदृढ़ होगा, संगठित होगा, समाज संगठित होगा, क्षेत्रीय विस्तार होगा और वो अधिक से अधिक त्वरित गति से विकास करेगा। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी नजर आता है कि व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, यदि इनको आप कस दोगे, इनको यदि छूट नहीं दोगे, इनको यदि आप अधिकार नहीं दोगे लोगों को, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो नहीं होगा और व्यक्ति के जीवन का गला घुट जाएगा। तो दोनों ही बातें रखी गई हैं, इसके पक्ष की, इसके अक्षय गुण भी हैं, इसके दोष भी हैं, उनकी चर्चा अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के माध्यम से आपको अधिनायक तंत्र के मूल लक्षण क्या हैं वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।